12 मई को हरियाणा में होने वाले छठे चरण के मतदान के इंतजाम को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार 4000 पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। पुलिस आयुक्त की माने तो चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो गुरुग्राम पुलिस ने दावा किया है कि सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। तकरीबन 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 12 मई के दिन हरियाणा में मतदान है और इसी के मद्देनजर गुरुग्राम में खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि किसी भी तरह की व्यवस्था से निपटने के लिए तैनाती की गई है 4000 पुलिसकर्मियों की। वो डिटेल इंतज़ाम किए हैं और एडिक्वेट सुरक्षा व्यवस्था है। हर बूथों पर भी ड्यूटी है, सेंसिटिव बूथों पर एक्स्ट्रा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगाई गई है, नाकाबंदी की गई है पूरे शहर में, और जो इंटर स्टेट जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी नाकाबंदी की गई है। और कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी इलेक्शन प्रोसेस को ख़राब ना कर सके। हमने आदेश दिए हैं कि रात दिन मेहनत करके फ्री फेयर एंड पीसफुल पोल संपन्न कराएं। कोशिश की जाए कि किसी भी बूथ पर रीपोल की गुंजाइश ना रहे, ज़रूरत ना पड़े।